नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एनआईए रिमांड 4 दिन बढ़ाई गई है। 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज उनकी पेशी हुई थी। जी हां, सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी आज कोर्ट में पेशी हुई थी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 10 दिन की रिमांड पूरी हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एनआईए रिमांड 4 दिन की बढ़ाई गई है। 10 दिन की रिमांड उनकी पूरी होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई थी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उसकी आज पेशी हुई थी। और वहीं बता दें आपको कि उनकी जो उसकी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एनआईए रिमांड 4 दिन और बढ़ाई गई है। 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उसकी आज कोर्ट में पेशी हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई थी। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ह्यूमर फैला हुआ है कि गोल्डी ब्रांड को जो है कैलिफोर्निया में जो है एफबीआई के द्वारा जो टीम कर लिया गया है, मेरे साथ बिल्कुल फेक न्यूज है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अमेरिकन एजेंसीज के द्वारा जो है कोई भी होमिस्ट्री के अंदर कोई भी मैसेज पेश किया जाता या कोई भी ईमेल आती। अब ये कहना कि वो जो है एफबीआई जो है वहां पे जो अमेरिकन एजेंसीज है वो पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्टली वहां पे करिए, डाउटफुल जो है इस चीज में अपने आप में डाउट क्रिएट होता है। तो मेरे हिसाब से ये टोटली फेक न्यूज है। कहीं पे भी गोली बार को कोई डिटेल नहीं किया गया, ये सब कुछ बिल्कुल फेक है। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एनआईए जो रिमांड है वो 4 दिन की बढ़ाई गई है। 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज उसकी पेशी हुई थी कोर्ट में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी की गई। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है। बता दें कि इस हत्याकांड का एक और जो आरोपी है गोल्डी बराड़, कल उसको कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। कैलिफोर्निया प्रशासन ने भारतीय सुरक्षा एजेंसी को इसकी जानकारी दी है और जल्द ही अब गोल्डी बराड़ को भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जो जाँच है वो आगे बढ़ सके और आरोपियों को सजा मिल सके। इसी कड़ी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एनआईए रिमांड 4 दिन की बढ़ी है। 10 दिन की रिमांड उसकी पूरी होने के बाद आज उसकी कोर्ट में पेशी की गई थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। नितिन, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जो एनआईए रिमांड है वो 4 दिन की बढ़ाई गई है, आज उसकी कोर्ट में भी पेशी हुई थी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, गैंगस्टर बिश्नोई की जो 10 दिन की रिमांड थी उस पर जो है कोर्ट में आज पेशी थी। तो कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की रिमांड और बढ़ाई गई, जो कि सिद्धू मूसेवाले का जो हत्या का आरोपी है उसकी जो रिमांड थी तो वो 10 दिन पहले भी 10 दिन की बढ़ाई गई थी, उसके बाद में अब 4 दिन की रिमांड और भी बढ़ा दी गई। क्योंकि आज जब कोर्ट में पेशी हुई थी तो कोर्ट में पेशी के बाद में जो है 4 दिन की जो रिमांड है वो और बढ़ाने की जो मांग थी वो कर ली गई है। उसके बाद में अभी उससे और भी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या की थी उसने, तो उसको पूरी तरीके से जो है पूछा जाएगा इसमें और कौन कौन से गैंग है, कौन कौन से लोग हैं, तो उसके लिए पूरी तरीके से अभी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। जी नितिन, सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड का एक और आरोपी था गोल्डी बराड़, जिसको कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है और अब उसको भारत लाने की तैयारी की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले का जो हत्यारिया आरोपी था एक और गोल्डी, तो उसे कल जो है कनाडा से जो है पाया उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था, उससे भी पूछताछ की जा रही थी। लेकिन वहाँ की पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी थी, पुलिस उससे पूछताछ करी, उसके बाद उसे भारत लाया जाएगा। भारत में जाके उसे जो है जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या की थी उसमें हत्या का जो मैन मास्टर माइंड था ये आखिरकार यही बिश्नोई बताया जा रहा था। इसके साथ में और साथ ये जो गोल्डी था कल जो पकड़ा था पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया था, तो उसको देखते हुए उससे जो पूछताछ की जाएगी आखिरकार इसमें और कौन कौन से गैंग हैं, इसमें जो गैंग के लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी। और साथ ही जितने लोगों को अभी इसमें हिरासत में लिया उनसे कल जो है पूछताछ की जाती है। जैसे आज जो बिश्नोई की जो है यहाँ पर कोर्ट में पेशी होनी थी 10 दिन बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी हुई थी, 10 दिन की रिमांड पूरी हो गई है। तो पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है लॉरेंस बिश्नोई से? ये देखिए, बिल्कुल, अभी जो कोर्ट में जो पूछताछ हुई है उसमें जो 10 दिन की जो रिमांड थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसमें जो है उनके वकील भी एडवोकेट थे वो भी जुड़े थे। उसके बाद में जो दूसरे तरफ के जो वकील थे वो दोनों वकीलों के आमने सामने हुई थी, तो उसमें जो उनसे पूछताछ की गई है कि आखिरकार किस तरीके से जो बिश्नोई ने इसमें हत्या की है, तो उसको जो पूरी तरीके से कोर्ट में पेशी होने के बाद में जो आरोपी था बिश्नोई उस पर भी 4 दिन की रिमांड और भी मांगेगी, 4 दिन की रिमांड और दी जाए। जिस तरीके से 10 दिन की पहले रिमांड हो रही थी लेकिन रिमांड 10 दिन के बाद में अब 4 दिन की जो रिमांड थी उसको और बढ़ा दिया गया, तो उसके बाद में जो बिश्नोई थे उसने कबूल करने की जो बातें यहाँ पर कही जा रही थी, उसने जो सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या की थी उसमें हत्या के जो आरोपी है एक तो बिश्नोई है, दूसरा जो कल गोल्डी को जो है गिरफ्तार किया था पुलिस ने उसमें भी गोल्डी का भी नाम उसमें सामने आ रहा था, तो गोल्डी को भी पुलिस जो है जल्दी जल्दी कल गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के अलावा भी कई नाम सामने आए थे, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है और उनके खिलाफ जांच कहां तक आगे बढ़ी है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई थी, हत्या होने के बाद में गोल्डी और जो बिश्नोई है वो मैन मोस्टेड वांटेड हैं, और वांटेड के बाद में जो है दोनों लोगों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद में जो पहले बिश्नोई को गिरफ्तार किया था, बिश्नोई के बाद में कल गोल्डी को जो है कर्नाटक की पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया था, उसको भारत लाया जाएगा। उसके बाद में उन दोनों से और भी पूछताछ की जाएगी गोल्डी से कि आखिरकार इस गैंग के कितने लोग और भी सक्रिय लोग हैं, उन लोगों के लिए भी जल्दी से जल्दी पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है वांटेड चल रहा था, इसके लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस लगी हुई थी गोल्डी के लिए कि आखिरकार गोल्डी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से कल जो है गोल्डी को कर्नाटक पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसमें और कौन कौन से गैंग हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे, तो उनसे अभी पूछताछ जो की जा रही है। और साथ ही इसमें जो और भी आरोपी पकड़े गए थे तो उनके जो पूछताछ में जो है अभी जाँच चल रही है, जाँच के बाद में आरोपी जो बिल्कुल देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई की जो रिमांड है वो बढ़ाई गई है 4 दिन के लिए, और क्या कुछ जानकारी है एनआईए की तरफ से अब लॉरेंस बिश्नोई से निकाली जाएगी आगे, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इन अपडेट्स के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद से, एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। यूसीसी पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। ये केवल चाय पर चर्चा और गॉसिप है। जयंत चौधरी ने कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा है उन्होंने, ये केवल चाय पर चर्चा और गॉसिप है ताकि पकौड़ों के साथ इन बातों की चर्चा हो जाए। आजम खान पर हुए नए मुकदमों पर जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और कोई धारा बची है क्या, ये सवाल उन्होंने किया है। रामपुर उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। इस पर उन्होंने कहा कि रामपुर मजबूत सीट है, वहां किसी से कोई टक्कर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि राहुल की दाढ़ी पर भी उन्होंने बयान दिया है, वो मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए कहा है जयंत चौधरी ने कि वो मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने कहा है कि ये केवल चर्चा का विषय है, पकौड़े के साथ ये सिर्फ गॉसिप का विषय है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा है कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ये बयान उनकी तरफ से आया है, वो मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, जयंत चौधरी ने कहा है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। धर्म की बात अलग होती है, वो इबादत करते हैं नहीं करते हैं, उसका कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं उन बातों का। वे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है, उनकी इतनी राजनीतिक अनुभव और छवि है, भले उनके वोट का अधिकार छीन लिया हो और सीट उनसे छीन ली गई हो, आज उस चुनाव में उम्मीदवार आसिम रजा है और गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। केंद्र सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में है। देखिए ये सारी बात चर्चाएं की हैं ताकि चाय पे गपशप हो जाए, गॉसिप हो जाए, गर्म पकौड़ों के साथ इन बातों की चर्चा हो जाए। जब कोई ठोस नीति आएगी तब हम कोर्ट पर। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है और उन्होंने केवल इसे चाय पर चर्चा का मुद्दा बताया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। शारिक, आज जो जयंत चौधरी है, बड़ा बयान उनका सामने आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, अगर कहें तो उन्होंने कहा है कि ये केवल चाय का विषय है और सरकार सिर्फ इसमें समय बर्बाद कर रही है, केवल चाय पर चर्चा का विषय है, ये गॉसिप की जा सकती है इस विषय पर सिर्फ। देखिए मैं आपको बता दूं, जयंत चौधरी मुरादाबाद होते हुए रामपुर जा रहे थे, जो रामपुर में उपचुनाव हो रहा है उसके लिए जो सपा प्रत्याशी है उनके समर्थन में जनसभा करने के लिए और लोगों से मुलाकात करने के लिए वहीं मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी द्वारा बड़ा बयान दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा गया है कि ये सिर्फ चाय का चर्चा है, चाय पर चर्चा होनी चाहिए ताकि इसमें आगे चाय पे ही चर्चा कहते हुए उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी, क्योंकि उनका साफ तौर से केंद्र सरकार पे जो है तुम्हारा एक उन्होंने बोला है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि रामपुर एक मजबूत सीट है, वहां किसी की कोई टक्कर नहीं है। देखिए रामपुर में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आसिम रजा, उनके समर्थन में जो है जनसभा करने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए जयंत चौधरी जा रहे थे। उनका कहना था कि मुरादाबाद ये जो आपकी रामपुर की जो विधानसभा है जिस पर उपचुनाव हो रहा है, उसके जो समाजवादी पार्टी के जो आजम खान है वो लंबे समय से जो थे वहां पर विधायक रहे थे, अब उनके साथ ही अब जो है आसिम रजा को जो है तुम्हारी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। वहां पर उन्होंने किसी भी पार्टी से अपना मुकाबला नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सीधी सीधी समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जीत भी हासिल
कंडक्टिंग कर रही है। देखना यह होगा कि जब ये मतदान होगा, मतदान के बाद जब उसका रिजल्ट सामने आएगा तो सबके सामने होगा, जो भी होगा डिक्लेयर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज मुरादाबाद से होते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिया है और रामपुर उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी द्वारा बयान दिया गया है, इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा है, राहुल गांधी की जो दाढ़ी बड़ी हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ताकि भारत जुड़ सके। हाँ, इसी के साथ जब इनके राहुल गांधी को लेकर जब सवाल करा गया था तो उसपे जो है था जयंत चौधरी के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि राहुल जो ये राहुल गांधी है अच्छे नेता है, वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ ही जो ये जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी परिणाम निकलेगा और दाढ़ी को लेकर भी उनके द्वारा बयान दिया गया। जी शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका। तो जयंत चौधरी का बयान आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उन्होंने कहा है कि ये केवल गॉसिप का विषय है, इस पर चर्चा की जा सकती है चाय के साथ। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बोला है कि वो मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ताकि भारत जुड़ सके। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के समर्थन में मंत्रियों और नेताओं का खतौली में जमावड़ा देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट बहुल्य क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया, उन्होंने डोर टू डोर जाकर जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक सम्मेलन में जनता को संबोधित किया है। तो मुजफ्फरनगर में बता दें कि उपचुनाव होने हैं 5 दिसंबर को, जिसके लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो कुछ देर में थम जाएगा और आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में बीजेपी की तरफ से खूब पसीना बहाया गया, खूब ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी गई है। मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने जनसभा की है, रोड शो किया है, लोगों से डोर टू डोर जाकर मुलाकात की और बीजेपी के पक्ष में समर्थन की अपील की है। अपनी पूरी जो ताकत है वो बीजेपी ने इस सीट पर झोंकी है। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के समर्थन में मंत्रियों और नेताओं का खतौली में जमावड़ा देखने को मिला है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो वहां पर पहुंचे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हमला बोला है जयंत चौधरी पर। जयंत चौधरी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने वार किया है, आजम खान के आंसू पोंछने गए हैं जयंत साहब। जनता जिसने ऐसी की तैसी उनकी कर दी है आजम खान की, उनके आंसू पोंछने गए हैं जयंत चौधरी। किसी की हत्या पर राजनीति करें ये दुख की बात है। दोषियों के साथ खड़ी थी पूर्ववर्ती सरकार, भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जयंत चौधरी पर हमला बोला है, उन पर निशाना साधा है और कहा है हमारा भाई उन्हीं के आंसू पोंछने गया है। जी हाँ, आजम खान को लेकर ये निशाना जयंत चौधरी पर उन्होंने साधा है और कहा है कि वो आजम खान के आंसू पोंछने गए हैं। बता दें मुजफ्फरनगर सीट पर खतौली में 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए प्रचार प्रसार का जो अंतिम दिन था और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी गए थे खतौली में चुनाव प्रचार के लिए, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर संपर्क किया, लोगों से मुलाकात की और उनसे समर्थन की अपील की है। इस दौरान जनसभा में उन्होंने जयंत चौधरी पर हमला बोला है, उन पर वार किया और कहा कि जयंत चौधरी जो हैं वो आजम खान के आंसू पोंछने गए हैं। जनता की जिसने ऐसी की तैसी की है, जनता को जिसने परेशान किया, भ्रमित किया, गुमराह किया, उसके आंसू पोंछने गए हैं जयंत चौधरी। 9 महीने विधानसभा के चुनाव हो गए, कहाँ थे जी वो नेताजी? उनके पिताजी चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, कहाँ थे वो बीच में? बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी, मेरे सांसद विधायक जनता के बीच में है और जनता के दुख में, दर्द में, अच्छे में, बुरे में हम लोगों के बीच में खड़े हैं। और अब ऐसा नहीं होगा जी सीजनल लोग आएंगे और अपनी बात कहेंगे तो अच्छा हुआ चुनाव आ गया तो उनके दर्शन हो गए, और चुनाव नहीं आता तो क्या होता जी? ढूंढते दिल्ली लखनऊ कहाँ करते? 9 महीने विधानसभा के चुनाव हो गए, कहाँ थे जी वो नेताजी? उनके पिताजी चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, कहाँ थे वो बीच में? बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी, मेरे सांसद विधायक जनता के बीच में है और जनता के दुख में, दर्द में, अच्छे में, बुरे में हम लोगों के बीच में खड़े हैं। और अब ऐसा नहीं होगा जी सीजनल लोग आएंगे और अपनी बात कहेंगे तो अच्छा हुआ चुनाव आ गया तो उनके दर्शन हो गए, और चुनाव नहीं आता तो क्या होता जी? तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा हमला बोला है जयंत चौधरी पर। इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो भूपेंद्र चौधरी हैं उन्होंने जयंत चौधरी पर निशाना साधा है, कहा है कि जिन्होंने जनता को परेशान किया, गुमराह किया, उनको खूब परेशान किया, ऐसी की तैसी की, जयंत चौधरी उन्हीं के आंसू पोंछने गए हैं।
आशुतोष, हमारी आवाज आपको मिल पा रही है? जी पूजा जी बताइए। भूपेंद्र चौधरी जो है उन्होंने जयंत चौधरी पर हमला बोला है, उन पर निशाना साधा है और कहा है कि जिन्होंने जनता को परेशान किया है आजम खान को लेकर, उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता को खूब परेशान किया, उसकी ऐसी की तैसी की है और जो जयंत चौधरी हैं उन्हीं के आंसू पोंछने गए हैं आज। जी बिल्कुल, आपको पूजा बता दूं आज यहाँ उपचुनाव का आखिरी प्रचार प्रसार का दिन है और जो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा रखी है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद यहाँ मौके पर मौजूद है और आज यहाँ पर प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान जब उन्होंने लोगों से बात की तो वहाँ उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर बड़ी बात कहते हुए कहा कि जब दंगे हुए थे, जो दंगे के आरोपी थे जिसका नाम जोर शोरों से चला था, आज उसी के पास जयंत चौधरी जो लगातार लोगों के बीच में यहाँ पर थे, लोगों के पास डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे थे, आज वो उन्हीं दंगे के आरोपी आजम खान के पास गए हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं क्योंकि वो ये बात समझ चुके हैं कि जो रामपुर की जो जनता है वो इस बार उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है, तो कहीं ना कहीं आजम खान अपनी हार मान चुके हैं और उन्हीं के आंसू पोंछने के लिए आज जयंत चौधरी जो लोगों के बीच यहाँ अब तक कन्वेंसिंग कर रहे थे आज उनके पास गए हुए हैं। आशुतोष, जयंत चौधरी कहते हैं कि यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है और सपा जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है, वहीं भूपेंद्र चौधरी उन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार दोषियों के साथ खड़ी थी उनके आंसू पोंछने गए हैं जयंत चौधरी। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि जब ये जो दौर मुजफ्फरनगर ने देखा है, जो दंगे हुए थे, दंगों के बाद आज जो रालोद की बात करें या समाजवादी की बात करें, आज जो भाईचारे की बात यहाँ पर हो रही है, भाईचारे की बात पहले क्यों नहीं की गई, और हमेशा चुनाव के दौरान ही भाईचारे की बात की जाती है, 9 महीने पहले ही यहाँ पर चुनाव हुआ, लेकिन 9 महीने पहले जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद 9 महीने तक ये लोग जो थे वो जनता के बीच में नहीं है, आज अगर यहाँ चुनाव हो रहा है तो ये एक बार फिर जनता के बीच जा रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। आशुतोष, अगर खतौली सीट की बात करें तो वहाँ पर राजकुमार सैनी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, वहीं सपा की तरफ से भी कांटे की टक्कर है, तो किस तरीके का चुनावी माहौल वहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, किसके पक्ष में जनता का जो है झुकाव देखा जा रहा है? देखिए, अगर खतौली उपचुनाव की बात करें तो खतौली उपचुनाव में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से भाजपा के नेताओं के द्वारा जो गठबंधन प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनको लेकर शुरू से ही आक्रामक तेवर यहाँ पर रहे हैं, लगातार उन्हें भारी और बाहुबली बताकर लगातार लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम जो बीजेपी नेताओं के द्वारा किया गया था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। अभी तक की बात करें तो अभी तक में बीजेपी यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन हालांकि यहाँ त्रिकोण नहीं है, यहाँ दो ही प्रमुख दलों के बीच में चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव टक्कर तो देखने के लिए जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय मजबूत यहाँ खड़ी है। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी अपडेट्स के लिए। तो पटना पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन, कुढ़नी उपचुनाव में जीत का दावा किया है उन्होंने। जी हां, सीएम नीतीश कुमार पर रवि किशन ने हमला बोला, उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, बिहार में फिर से जंगल राज की शुरुआत हो गई है और एक बक्स में बसने वाले फिर से पलायन कर रहे हैं। रवि किशन का यह बयान सामने आया है कि एक बक्स में बसने वाले फिर से पलायन को मजबूर हो रहे हैं बिहार में। तो रवि किशन आज पटना पहुंचे थे जहां पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कुढ़नी में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने जीत का दावा किया और कहा है कि यहां पर बीजेपी की जीत जो है वो पक्की है और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है और बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की शुरुआत हो गई है। तो रवि किशन का बड़ा बयान सामने आया है। हम जाते नहीं उपचुनाव में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमारे चिराग पासवान जी के जो समर्थन के साथ चुनाव लड़ रही, गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। मुहुआ में डाल थोड़ा दूर रहा हो, तब हम लोग वो सीट जीत रहे हैं और जीत बड़ी आसानी से है। देखा का हो कि बिहार अब देख ले लेस कि जब बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश बाबू चलते थे तब का बिहार और अब के बिहार को बिहार ने देख लिया। खबर कानपुर से है जहां जाजमऊ थाना क्षेत्र के गल्ला गोदाम में संदिग्ध अवस्था में लावारिस 3 बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। फिर आनंद फानन में जाजमऊ पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस की जांच में बैग से कपड़े और पैसे बरामद हुए हैं। तो कानपुर से यह खबर है जहां पर जाजमऊ थाना क्षेत्र में 3 संदिग्ध बैग मिले हैं, पुलिस फिलहाल इन बैग की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गल्ला गोदाम में ये 3 लावारिस बैग मिले हैं जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है।
है और पुलिस मौके पर पहुंची और इन बैग्स की जांच की जा रही है कि आखिर ये बैग किसके हैं, किसने यहां पर इनको छोड़ा है, इन सब चीजों की जांच की जा रही है। वहीं बैग के मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपने बुर्का पहने केवल महिलाओं को देखा होगा, पर अमरोहा में बुर्का पहने अगर कोई युवक आपसे टकरा जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। पुलिस ऐसे ही एक युवक को बुर्का पहने बाजार में घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस युवक के पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि ये जो युवक है किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके चलते उसने बुर्का पहना हुआ था, लेकिन पुलिस की नजर उस पर पड़ गई और पुलिस ने उसको फिलहाल हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने क्यों ये बुर्का पहना था। तो अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो एक युवक है वो बुर्का पहने हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि युवक बुर्का पहने हुए नजर आ रहा है और पुलिस ने फिलहाल उसको हिरासत में लिया है और पुलिस अंदेशा जता रही है कि ये जो युवक है ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, इसलिए उसने इस तरीके की हरकत की है। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और बिहार के शिवहर की सांसद रमा देवी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और विवादित बयान दिया है उन्होंने। इस बार उन्होंने कहा कि लोगों से बातचीत के क्रम में मोतिहारी के ढाका विधानसभा को पाकिस्तान की संज्ञा दी है। कुर्नी विधानसभा में चुनाव प्रचार के क्रम में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सांसद रमा देवी ने पत्रकारों को ढाका विधायक पवन जायसवाल की ओर से इशारा करते हुए कहा था कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान भी जीता है और ढाका तो पाकिस्तान ही है ना, ये यानी पवन जायसवाल वहीं से जीतकर विधायक बने हैं। तो बीजेपी सांसद रमा देवी का ये विवादित बयान सामने आया है। विधायक की जीत पर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि ढाका ये जो पाकिस्तान से जीतकर विधायक बने हैं, मोतिहारी के ढाका विधानसभा को उन्होंने पाकिस्तान बताया है और वहां के जो विधायक हैं उनको लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो विधायक हैं ये पाकिस्तान जीतकर बने हैं। संबोधन करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ढाका को भी, मतलब पाकिस्तान को भी हम जीत के आए हैं। पाकिस्तान का मतलब ढाका विधानसभा और वहां के वर्तमान विधायक सहमति में गर्दन हिला रहे हैं। आप देखिए, सुनिए इसको गौर से, ये कलंकित करने वाला कितनी बड़े शब्द, मैंने क्या शब्द है ये। आप एक अनुमंडल मुख्यालय, एक विधानसभा मुख्यालय को आप पाकिस्तान कह रहे हैं। किसने कहा? रामा देवी जी ने कहा, शिवर सांसद जो हमारी 3 बार से सांसद, उन्होंने कहा। और आदरणीय पवन जी जो हैं वहां के विधायक, उन्होंने सहमति में सर हिलाया कि हाँ हम लोग पाकिस्तान को जीत के लाए हैं। क्या ढाका पाकिस्तान हो गया? शर्म नहीं आ रही है उनको? जिस ढाका की वोट से, जिस 37 पंचायतों के वोट से आप विधायक हो, जिस 37 पंचायत से आप सदन, उचले सदन और निचले सदन दोनों जगह बीजेपी की सीट है और आप उसको गाली देने का काम कर रहे हो। वहीं ग्रेटर नोएडा के वेस्ट शाहबेरी में 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में करीब सुबह 8 बजे अचानक आग लग गई। बेसमेंट में लकड़ी का गोदाम बताया जा रहा था। इमारत में कई परिवार भी रहते थे। जिस समय आग लगी इमारत में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आसपास इकट्ठा लोगों ने ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा। इसके साथ ही आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जांच के बाद सामने आएगा कि इमारत में अग्निशमन उपकरण लगे थे या नहीं लगे थे। आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग पर फिलहाल तो पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है। वहीं भोजपुर जेल में 4 दिनों के निरीक्षण में 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 4 दिनों के निरीक्षण में 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलाए गए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया। वहीं गुप्त सूचनाओं और सूचनाओं के संकलन से कारा में जमीन में गाड़े हुए 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये सभी मोबाइल वार्ड नंबर 7 से 14, 1, 6
के पीछे से बाथरूम की बाथरूम के पीछे से बरामद किए गए हैं। वहां पर 5 से 6 फीट का गहरा गड्ढा किया हुआ था। उन गड्ढों में इन मोबाइल्स को छुपाया गया था। प्रथम दृष्टया से कर्तव्य में लापरवाही और संलिप्तता को देखते हुए उपाधीक्षक सर्वर इमाम खान रक्षित उनको निलंबित किया गया है। निरीक्षण में 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 4 दिनों के निरीक्षण में 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बता दें वार्ड के पीछे जो बाथरूम बने हैं उनके पीछे गड्ढे में ये मोबाइल छुपाए गए थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।